कोरोना की मार सह रहे हिमाचल के होटल और बार संचालक का सरकार के वर्तमान एक्साइज पॉलिसी में फेरबदल की मांग उठाने लगे हैं। उन्होंने बार फीस और लीकर कोटा 50% करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि होटल व्यवसायी प्रदेश स्तर पर चरणबद्ध तरीके से ही अपनी समस्याएं उठाएंगे। इसकी शुरुआत किन्नौर के टापरी से शिमला के नारकंडा तक होटल व्यवसायियों और रामपुर में उठाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध या बिना टैक्स दिए ढाबे व होटल चलाने वालों की मौज लगी है। वहाँ वो सारी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध करवा रहे हैं, शराब बियर से लेकर खान पान। दूसरा रही सही कसर होमस्टे वाले पूरा कर रहे हैं, जबकि होमस्टे के लिए अधिकतम 4 कमरे हैं, लेकिन चेक ना होने के चलते इसके दायरे में 15 कमरे वाले 4 या 500 की जगह 4000 तक के किराए भी वसूल कर लोग खूब चांदी कमा रहे हैं। हमारा जो मेजर डिमांड है, एक्साइज पॉलिसी जो अभी नई फ्रेम हुई है, वो 9 महीने के लिए हमसे पूरी पूरी फीस ले रहे हैं, करीब 12 महीने के लिए। हमने पहले भी वो भी एक्सेस फीस थी, क्योंकि कोविड में 2 सालों से हमारी पूरी इंडस्ट्री बंद पड़ी है, बाहर नहीं चले और ना हम वो टाइम से चला पाए। तो हमारा तो ये डिमांड था सरकार से कि बार फीस को हमारा 50% कर दो, कोटा भी 50% कर दो। तो सरकार ने ना तो हमारी बार फीस कम की और ना ही उस प्रपोर्शन में कोटा कम किया। तो मेजर डिमांड तो इसमें हमारी ये थी कि जो फीस है ताकि हम सर्वाइव कर पाए।